तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार अगर आप Redmi Note 7 Pro के यूज़र हैं तो आपके लिए यहां पर एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि MIUI 11.0.8.0 की एक नई अपडेट पुश कर दी गई है Redmi Note 8 Pro के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो यार आपको यहाँ पर सिर्फ यही देखने को मिलता है, अपडेटेड सिक्योरिटी पैच लेवल यानी कि फेब्रुअरी का। और अगर आप यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 9.0 ही अभी भी देखने को मिल जाता है। तो यार मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसी महीने अपडेट देखने को मिलेगी, तो फाइनली अपडेट आ ही गई। तो यार आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको थोड़े से यहाँ पर हिडन फीचर्स दिखाने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, पर कुछ हिडन जो फीचर्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनकी सहायता से आप कुछ फीचर्स यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला फीचर यहाँ पर अब आपको देखने को मिलता है ऐप ड्रो। तो यहाँ पर ये जो है मैंने खुद नहीं लगाई है, ये मेरे को सिस्टम में ही देखने को मिली है। तो आपको यहाँ पर जो है वो ऐप ड्रो की अब ऑप्शन देखने को मिल जाएगी अगर आपको अभी तक नहीं मिली है Redmi Note 7 Pro में। तो यहाँ पर आप ऐप ड्रो अब लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ विद ऐप ड्रो और विदाउट। तो ऐप ड्रो तो हमें काफ़ी पसंद है, तो ऐप ड्रो लगा देते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बैकग्राउंड, तो अगर आप ये आपको कौन सी चाहिए, डार्क चाहिए, कैसी चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम चाहिए, कौन सा चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप आइकॉन साइज़ के भी को बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये जो है वो फीचर अब यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यार आपको मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो पहला जो ट्रिक है दोस्तों वो है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है स्क्रीन टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन टाइम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऐप स्क्रीन टाइम लिमिट्स देखने को मिल जाती है, आपको फोकस मोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यार काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पर ये जो है वो डिफ़ॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। आपको कुछ ट्रिक यहाँ पर लगाने पड़ेंगे तभी आपको ये मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर गैलरी में जो है वो आप देख सकते हैं, आपको एक नई गैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अब यहाँ पर ट्रैश बिन देखने को मिल जाता है। 30 डेज़ तक आप कुछ भी डिलीट आपने किया है आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिली है गैलरी की, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपके डिवाइस में नहीं आई है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन ऑन टाइम कैसे ला सकते हैं, तो यार मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है एक्टिविटी लॉन्चर, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने सेटिंग्स में जाना है नीचे में यहाँ पर, उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट शॉर्टकट ऑन होम स्क्रीन, तो आपने यहाँ पर क्रिएट दबा देना है। तो आपको ये जो है वो आइकॉन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये जो है स्क्रीन टाइम। तो यार ये काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यार हमें अभी तक, सॉरी ये तो कैंसिल कर देते हैं अभी। तो यार अभी भी हमें जो है वो ये एडवांस सेटिंग की ये जो ऑप्शन है अभी भी यार एक्टिवेट यहाँ पर नहीं की गई है। अभी भी यहाँ पर जो है वो शोमी ने इसे अभी भी बंद किया हुआ है। देखते हैं आगे जाकर हमें किस वर्जन में ये एडवांस सेटिंग की ऑप्शन देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइट मोड की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं एक बार, तो यहाँ पर अगर मैं सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा आपको, सॉरी मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ। तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर नहीं, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सेटिंग्स। तो यहाँ पर अब आपको मिल जाता है लाइट मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपके जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं आइकॉन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन लुक आपको मिल जाती है। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं दिखता है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा फीचर हो सकता है। तो यार अगर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता है, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सेटिंग्स में, आप वो सेटिंग्स को डाउनलोड कर लीजिए तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑफ कर दिया है, तो आप इसे ऑन एंड ऑफ यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से ऑन एंड ऑफ। तो यार काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो,
तो अगर हम यहाँ पर वीडियो सर्च करते हैं तो यार आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की ऐप देखने को मिलती है और उसमें आपको मिल जाता है वीडियो टूल बॉक्स। तो यहाँ पर इसे भी आप अनेबल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। कौन कौन सी ऐप आपको चाहिए, मैंने YouTube ही यहाँ पर अभी लगाई है, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये फीचर आपके सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलता है एक्टिविटी लॉन्चर में, तो इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड इसे भी कर लीजिए और आपको ये फीचर भी मिल जाएगा। तो अगर आप YouTube में जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो है वो लाइट मोड का यानी कि वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स को खोल सकते हैं। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फीचर है और आप यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वीडियो को। तो यार ये जो है वो फीचर यहाँ पर है, अगर आपने अनेबल करना है तो आप कर सकते हैं। तो यार काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो काफ़ी सारे फीचर हम अनेबल कर सकते हैं इस अपडेट में। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल या पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।